जी तो नाजरीन, आज काशिफ अब्बासी ने कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से वो बड़े मसले में भी आ गए 9 मई के हवाले से। तो इन्होंने क्या कहा, आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो जवाब आया तरीके इंसाफ पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन ले ली गई है दोनों साइड से। आज भी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने, कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा बेहतर थी, एक बड़ी कमजोर सी कोशिश की उन्होंने 9 मई पे वही बातें करने की जो कल एक बड़े सख्त अंदाज में कर दी गई थी। बहरहाल उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की जानिब से ये कहा कि कल बहुत से हुकूमत की जानिब से तकारीर मुनक्कद की जाएंगी जिसमें तकारीर होंगी और 9 मई के बारे में ज़ाहिर है दोबारा बहुत से लोग जो बात करेंगे उस पर। दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ ने रैलियाँ निकालने का ऐलान कर दिया है, वो इसको योम शहदा के लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं। आज जो इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ जिसमें उमर अयूब साहब, महमूद खान अजगजैब साहब और लतीफ़ कोसा साहब, इंतहाई सख्त तकारीर की गई इसमें, इन तकारीर में जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका कहा गया कि बहुत से जवाब दिए गए तो शायद गलत नहीं होगा, सख्त तरीन गुफ्तगु थी। अब हालात यहाँ से कहाँ जाएंगे, दोनों पार्टियाँ एक्सट्रीम पोजिशन ले चुकी हैं, ले ली गई है। आज कल आपने, आपको याद होगा DGISPR साहब ने कहा माफ़ी मांगे, तामीरी सियासत में किरदार अदा करने वाली बात करें तो माफी मुमकिन है, क्या कहा उन्होंने जरा सुनिए। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं है बातचीत में। तामीरी गुफ्तगू करें, तामीरी सियासत करें, माफी मांगे। असद कैसर साहब कल प्रोग्राम में रात को मौजूद थे मेयर बुखारी साहब के साथ, अमूमी तौर पर बड़े धीमे सियासतदान समझे जाते हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ के अंदर लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, बड़े रख रखाव वाले आदमी हैं, बड़े धीमे आदमी हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या माफी मांगेंगे तो उन्होंने क्या कहा जरा सुनो। अब वो कहते हैं कि सिदके दिल से माफी मांगे ओनली वे। देखिए हम माफी, अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे। मैं कहा किसी अपने बाप से माफी नहीं मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगे। एक तरफ उनसे फिर मुजाकरात की बात की गई कि इमरान खान साहब ने तो एक मुजाकराती कमेटी भी बना रखी है, और कहा मुजाकरात अब खत्म, क्या कहा उन्होंने जरा सुना। सर बात किससे करनी है पहले ये बताएं। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे ना किसी से बात करनी है। करनी नहीं है बात तो 3 रुपए कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान साहब। वो कमेटी जो है ना बेसिकली उसके अंदर कंफ्यूजन है, मैं उसके बारे में ज्यादा। उन्होंने कहा कि अब बात हमने किसी से नहीं करनी, एक और एक एक्सट्रीम पोजीशन तरीके इंसाफ ने ले ली है इस मामले पर। जो पहले तो तरीके इंसाफ की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि हम मुजाकरात करना चाहते हैं, कोई कहता था एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे क्योंकि हुकूमत बेइख्तियार है, कोई कहता था नहीं जी अगर हुकूमत कोई लायामल दे तो हम उनसे भी बात करने को तैयार है। हुकूमत खुद ये कह रही थी कि हम भी बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अब लगता ऐसा है कि एक्सट्रीम पोजिशन ले ली गई है। अमूमन ये देखें जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सख्त पैगाम गया, उसका जवाब भी इंतहाई सख्त आया है। अमूमन सियासतदान दो कदम पीछे हट जाते हैं जब इस तरह की सख्त गुफ्तगू की जाए, जिस तरह की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। सियासतदान सोचता है कि जाहिर है वी डोंट वांट टू टेक दम ऑन, लेकिन आज इमरान खान साहब की जानिब से ट्विटर पर एक बड़ा सख्त पैगाम उनकी जानिब से आया। मैंने आपको भी बताया कि तकारीर जो की गई इस्लामाबाद में, एक सेमिनार था तहरीके इंसाफ की जानिब से और वो जो ग्रैंड अलायंस है उसकी जानिब से इंतहाई सख्त तकारीर भी की गई है। सो अब यहां से जाना कहां है, और दूसरा यह कि जब कहते हैं तामीरी सियासत में हिस्सा लें तो क्या इसी तनख्वाह पे काम करें, यह मकसद है यह कहने का कि आप तामीरी सियासत करें, यानी जो हो गया इलेक्शंस में फॉर्म 45 है 47 है मैंडेट था नहीं था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सानिया 9 मई एक बहुत बड़ा सानिया था मुल्क में, लेकिन अब बहुत सारे राज इसकी वजह से खुल रहे हैं। और ये भी आप लोगों ने देखा कि काशिफ अब्बासी का शो जो है वो एकदम से बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था, आप लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि ये शो बंद क्यों किया गया था। तो बहरहाल उनके दफ्तर पे जो है वो छापा मारा गया ऐसा सुनने में आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है शो मतलब उन्होंने कोई ब्रेक भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। आप लोग इस शो के एंड पे देख सकते हैं, मतलब ये जो मैंने आपको क्लिप दिखाया ये वाला नहीं, दूसरा जो इनका पूरा शो था वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उसमें वो काश अकरम राजा जो है वो बस बात करते करते एकदम से शो बंद कर दिया गया।
तो यहाँ पे साफियों के ऊपर पाबंदी है, यहाँ पे इजारे राय पे पाबंदी है, और फिर कहते हैं जी ये यहाँ पे जमहूरियत है। जमहूरियत किस चीज़ की है? यहाँ पे जमहूर की तो कोई इज्जत ही नहीं है, बोर्ड को इज्जतों का बयानिया होता है और वो बयाने ही बढ़ जाता है। मतलब इस तरह की हरकतें यहाँ पे हो रही हैं। तो व्यूअर्स, ऐसा मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जहाँ पे किसी पे तनकीद ना हो सके, किस इजारे राय पर पाबंदी लग जाए, वहाँ पे वो क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? क्योंकि जब ऊपर आपके छोर डाकू बैठे होते हैं तो वो यही कुछ ही करते हैं, वो ताकत के जोर पे आपका मुंह बंद करवाने की कोशिश करते हैं, डंडे के जोर पे करते हैं, कई जगहों पे हो जाते हैं, कई जगहों पे नहीं होता। पाकिस्तान में नहीं इनसे हैंडल हो रहा, स्पेशली जो सोशल मीडिया है। तो व्यूअर्स, आपका इस बार वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।